मध्य प्रदेश में विधानसभा की बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश के हर संभाग में हर वर्ग को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति को फाइनल टच दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी शिवराज सिंह के चेहरे और काम को आगे रखकर मतदाताओं के बीच में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे के साथ मैदान में उतर चुकी है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड प्रदेश का सबसे पिछड़ा सूबा है। इस सूबे की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, जिसके चलते इस सूबे में काफी हद तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर भी देखने को मिल जाता है। प्रदेश के इस पिछड़े सूबे के विकास को लेकर किसी सरकार ने ज्यादा कोशिशें नहीं की। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस जहां बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को मुद्दा बना रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी विकास योजनाओं के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर चुकी है। सूबे में बीजेपी के प्रचार का मुख्य मुद्दा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और 45,000 करोड़ की केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का है। विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की सीटों की कितनी अहमियत है, ये खुद पीएम मोदी भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सागर जिले के बड़तुमा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास महाराज का भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया था। एक नजर डालते हैं बुंदेलखंड के सियासी समीकरण पर। बुंदेलखंड संभाग के 6 जिले हैं, जिनमें 26 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15, कांग्रेस ने 9 और सपा बसपा को एक एक सीट मिली थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 22 तो कांग्रेस ने यहां से 4 सीटें जीती थी। बात अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की जाए तो 6 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीती है। बुंदेलखंड अंचल में अनुसूचित जाति का वोटर अहम भूमिका निभाता आया है। अंचल में 22% वोट बैंक होने के चलते ये वर्ग हमेशा से गेम चेंजर की भूमिका निभाता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस वोट बैंक को साथ कर मिशन 2023 के चुनाव में बढ़त लेने की कोशिश में है। तो वही कांग्रेस इस वर्ग के सहारे सत्ता में आने के ख्वाब देख रही है। खास बात यह है कि SC वर्ग के लिए भले ही 6 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन ये वोट बैंक 15 सीटों पर अहम भूमिका निभाते हुए जीत हार का फैसला करता है। खास बात यह है कि बुंदेलखंड में भले ही SC वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन इस वर्ग का वोट बैंक 15 सीटों पर अहम भूमिका निभाता है। शिवराज सरकार में बुंदेलखंड से 3 शक्तिशाली मंत्री हैं, खुरई से भूपेंद्र सिंह, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत और रेहली से गोपाल भार्गव, जो एक दूसरे को बौना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पास बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई शक्तिशाली या प्रभावी चेहरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के दौरे के बाद वो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, जबकि बीजेपी ने बुंदेलखंड से ही पूर्व CM उमा भारती के भतीजे यानी राहुल लोधी को राज्य मंत्री बनाकर लोधी समाज को साधने की कोशिश की है। 2020 में कमलनाथ सरकार गिराने में सिंधिया का साथ देने वाले और शिवराज सिंह ने शक्तिशाली परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेरने के लिए खुद पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस ने बुंदेलखंड के खुरई, सुर्खी और रेहली को लेकर खास रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस बुंदेलखंड की जिन सीटों पर फोकस कर रही है, उन पर एक नजर डालते हैं। सागर, बीना, खुरई, सुर्खी, देवरी, रेहली, नारी, यावली और सागर बंडा, ये यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। वहीं अगर बात की जाए टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़, जतारा और खरगापुर, यहाँ 3 सीटें हैं। निवाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पृथ्वीपुर और निवाड़ी 2 सीटें आती हैं। छतरपुर में महाराजपुर, चंदला, राजनगर, छतरपुर, विजावर और मलहरा मिलाकर 6 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अगर दमोह को देखा जाए तो पथरिया, दमोह, जबेरी और हटा, यहाँ 4 सीटें आती हैं। पन्ना की बात की जाए तो पवई, गुनोर और पन्ना, यहाँ 3 सीटें हैं। बुंदेलखंड में कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। अगर बात देवरी की जाए तो सागर जिले की इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस फिर से विधायक हर्ष यादव को ही टिकट देने जा रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हर्ष यादव ने बीजेपी के तेज सिंह राजपूत को लगभग 4,300 वोटों से हराया था। महराजपुर की बात की जाए तो छतरपुर जिले की सीट पर कांग्रेस नीरज विनोद दीक्षित को फिर से टिकट देगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नीरज दीक्षित ने बीजेपी के मानवेंद्र सिंह को लगभग 14,000 वोटों से हराया था। राजनगर सीट की बात की जाए तो छतरपुर जिले की इसी सीट पर कांग्रेस फिर से विधायक कुंवर विक्रम सिंह को मैदान में उतार रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विक्रम सिंह नातीराज ने बीजेपी के अरविंद पटेरिया को मात्र 732 वोटों से हराया था। छतरपुर मेन सीट पर कांग्रेस अपने विधायक आलोक चतुर्वेदी पर फिर से विश्वास जताते हुए मैदान में उतारने का फैसला कर चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी ने बीजेपी की अर्चना सिंह को 3,495 वोटों से हराया था। दमोह की बात की जाए तो इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने विधायक अजय कुमार टंडन को फिर से टिकट देने का मन बना लिया है।
2021 के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अजय कुमार टंडन ने बीजेपी के राहुल सिंह को लगभग 17,000 वोटों से हराया था। गुन्नौर सीट पर कांग्रेस ने फिर से विधायक शिव दयाल वागरी को मौका देने का फैसला कर लिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शिव दयाल वागरी ने बीजेपी के राजेश वर्मा को लगभग 2,000 वोटों से हराया था। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड संभाग बीजेपी का गढ़ रहा है। इस संभाग पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का खास प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी इस संभाग पर जमीनी पकड़ है। जिस तरह से उमा भारती ने शराबबंदी के बहाने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह पर तंज कसा था, उमा भारती लोधी समाज के ही एक कार्यक्रम में कह चुकी हैं ये बात। वो भले ही बीजेपी को वोट देने के लिए कहें, लेकिन वोट मेरे कहने पर मत देना। साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी का कांग्रेस कितना फायदा उठाती है, ये तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल तो चुनावी विसात पर दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी चालों को चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं।